नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। वेब थ्री सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एवेंटस ने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के लिए फिल्म राइट्स होल्डर्स और वर्ल्ड लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसर्स और एडिटर्स के साथ द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सपीरियंस बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। ये नॉन फंजिबल टोकन ड्रॉप्स की एक सीरीज है जो एक्सपीरियंस के वाइडर पार्ट्स को अनलॉक करने के लिए की रूप से काम करेगी और लॉन्च 2023 के सेकेंड क्वार्टर के लिए स्केड्यूल्ड है, जिसमें कम्युनिटी के अर्ली पार्टिसिपेंट्स के लिए एडिशनल बेनिफिट्स होंगे। एवेंटस के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन वे ने कहा कि द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट न सिर्फ व्यापक रूप से पॉपुलर कल्चर में बल्कि विशेष रूप में ब्लॉकचेन कम्युनिटी के अंदर सबसे आइकॉनिक फिल्म्स में से एक है। फिल्म के फैंस और वेब थ्री एंथुजियास्ट को लिमिटेड NFT ड्रॉप्स की एक सीरीज के माध्यम से एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट, रिवॉर्ड्स और एक्सपीरियंसिस तक पहुंच प्रदान होगी, जिसमें फिल्म के निर्माण से पहले कभी नहीं देखे गए सीन्स शामिल होंगे। अनलॉकेबल कंटेंट एक्सपीरियंसेस और फिल्म की एनिवर्सरी मनाने के लिए इनवाइट ओनली इवेंट तक लिमिटेड एक्सेस होगा। NFTs कार्बन न्यूट्रल इवेंटस नेटवर्क द्वारा बनाई जाएंगी, जो पोल्काडॉट पर एक लेयर वन पैराचेन है, जिसमें प्रोजेक्ट पोल्काडॉट इकोसिस्टम के पूर्ण लाभ उठाए जाएंगे, जिसमें एनहांस्ड स्केलेबिलिटी, स्पीड, इंटरऑपरेबिलिटी और सिक्योरिटी शामिल है। NFT होल्डर्स इथेरियम सहित 50 से अधिक ब्लॉकचेन में इंटरऑपरेबिलिटी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑक्शन हाउस सदबी नॉन फंजिबल टोकन्स की नीलामी करेगा, जो बैंकक्रप्ट क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरोस कैपिटल के एसेट्स का हिस्सा है। आर्ट के कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट पर विचार करते हुए सदबी 3AC के ग्रेल्स कलेक्शन से लाइव, ऑनलाइन और अन्य सेल्स चैनल के जरिए NFT आर्ट को सेल करेगा। वो 19 मई से शुरू होने वाले सदबी के न्यूयॉर्क में मार्की सेल वीक के दौरान 7 हैंडपिक्ड वर्क्स के पहले बैच की नीलामी करेगा। बोली लगाने वाले क्रिप्टोपंक #6649, डिमिट्री चेरनियाक के रिंगर्स #879, टाइलर हॉब्स के #216, फिडेंजा और ऑटोगिल्स खरीद सकते हैं। थ्री एरोस के मूल रूप से 1800 ETH के लिए रिंगर्स #879 खरीदा गया था। ज़ीरियन प्लेटफॉर्म ने नीलामी के लिए $6.4 million बेस प्राइस पर टोकन की वैल्यू की है। सदबी सेकेंडरी सेल्स के लिए क्रिएटर्स को रॉयल्टी का भुगतान करेगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एडटेक प्लेटफॉर्म स्टेम मेटावर्स ने 18 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले अपने 3 महीने लंबे ऑनलाइन समर कैंप के लॉन्च की घोषणा की है। कैंप को यंग लर्नर्स को वैल्यूएबल स्किल सीखने और उनकी समर का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, एक ऑफिशियल रिलीज में ऐसा कहा गया। ये कैंप पैन इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एनकरेज करने वाली मजेदार और एंगेजिंग एक्टिविटीज की एक रेंज ऑफर करता है। ये किंडरगार्टन से ग्रेड देने के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है और कैंप एक्टिविटीज को 2 भागों में डिवाइड भी किया गया है, एक्सप्लोरर और एडवांस। एक्सप्लोरर कैंप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक नए स्किल को आजमाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या ये उनकी रुचि है, जबकि एडवांस कैंप स्टूडेंट्स को उनकी उम्मीद के प्रोग्राम में गहराई से जानने में सक्षम बनाता है। एक्सप्लोरर कैंप क्रिएटिव राइटिंग, गेम कोड करना, रोबोटिक्स, इंडियन आर्ट फॉर्म्स, यूट्यूबिंग और यंग साइंटिस्ट बनाना और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने जैसे कई तरह के प्रोग्राम्स का एहसास करवाता है। दूसरी ओर एडवांस कैंप मेडिकल स्कूलर्स के लिए सबसे उपयुक्त है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही के एक ट्वीट में शिबाइनू मेटावर्स टीम के मेंबर मार्सी चेस्ट्रो ने वर्चुअल वर्ल्ड में हॉलीवुड की बढ़ती रुचि का संकेत दिया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स शो के बाद टेक्निकल एक को एक पूर्व एग्जीक्यूटिव जास्ट्रो ने लिखा, शिप द मेटावर्स, हॉलीवुड की बात है और शिबेरियम ये सब चला सकता है, हमें ये शिबामी मिला है। NAB शो एक एनुअल इवेंट है जहां कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स मीडिया और एंटरटेनमेंट में लेटेस्ट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। प्रोजेक्ट में जास्ट्रो की इन्वॉल्वमेंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। टेक्निकल में एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनके अनुभव को देखते हुए एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कॉल ऑफ ड्यूटी, रेजिडेंट ईविल और फीफा जैसे मेजर टाइटल्स पर अपने काम के लिए जाना जाता है। टेक दिग्गज जो पिछले मई में शिबाइनू टीम में शामिल हुए थे, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में मीम कॉइन की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कई ब्रांड पार्टनरशिप को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। हॉलीवुड के इनसाइडर्स हाईलाइट के बीच शिप द मेटावर्स में बढ़ती दिलचस्पी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की
वर्चुअल वर्ल्ड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्षमता की मान्यता पर प्रकाश डालती है। ओवर टू यू रोशनी। फूड पांडा चाइना के आउटसाइड एशिया का सबसे बड़ा फूड और ग्रोसरी डिलीवरी नेटवर्क सिंगापुर और कंबोडिया से शुरू होने वाले एशिया में कस्टमर्स के लिए नए यूजर बेनिफिट्स पेश करने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म टाडा के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में फूड पांडा और टाडा दोनों यूजर्स क्विक कॉमर्स और राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म दोनों पर सेविंग डिस्काउंटेड फेयर्स और लॉयल्टी प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन का आनंद ले सकते हैं। APAC के फूड पांडा के CEO जैकब एंजल ने कहा, ऑन डिमांड डिलीवरी और राइड हेलिंग हमारे डेली रूटीन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, इसलिए हम इन सुविधाओं को ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने के तरीकों के बारे में लगातार सोच रहे हैं। आज से सिंगापुर में 30,000 टाडा यूजर्स एक कॉम्प्लीमेंट्री पांडा प्रो सब्सक्रिप्शन रिसीव करने का विकल्प चुन सकते हैं और उन्हें ऑन डिमांड डिलीवरी के लिए ईजी एक्सेस और कॉस्ट सेविंग्स प्रदान करता है। फूड पांडा के पूरे रीजन में 10 लाख से अधिक पांडा प्रो सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास फ्री डिलीवरी, स्पेशल पिकअप ऑफर्स, डाइन इन डील्स और अन्य डिस्काउंट्स तक एक्सक्लूसिव एक्सेस है। इस पार्टनरशिप के साथ सिंगापुर में 30,000 पांडा प्रो सब्सक्राइबर्स को अपने टाडा अकाउंट्स में $4 पर कैप 25% डिस्काउंट वाउचर्स ऑटोमेटिकली रिसीव होंगे जिनका उपयोग उनके फेवरेट रेस्टोरेंट्स या सिटी में कई और आने जाने के लिए किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब 3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV।